हेलो गाइज, दिस इज संतोष एंड यू आर वॉचिंग ऑनलाइन टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल। गाइज, अगर आप आपके एप्लीकेशन का SH1 सर्टिफिकेट, जिसको हम की स्टोर ऐप साइनिंग की भी बोलते हैं, अगर आप उस सर्टिफिकेट को कहीं पे लॉस्ट कर चुके हैं या उसका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो उस केस में जैसे आप गूगल प्ले कंसोल के अंदर नया एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस हो रहा होगा। अगर गाइस जी आप ये वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉर्ट आउट हो जाएगा, और इस केस में मैं आपको पूरा हेल्प करने के लिए कोशिश करूँगा और पूरा बारीक में समझाने के लिए कोशिश करूँगा। इसीलिए आपको वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना होगा, आप कम्प्लीटली वॉच करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बात सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करो। एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिलेटेड और भी वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा। सो गाइज, अगर आप आपका की स्टोर को कहीं से लॉस्ट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपके एप्लीकेशन के अंदर नया की स्टोर लगा सकते हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाना होगा गूगल प्ले कंसोल के अंदर। जो एप्लीकेशन आप अपडेट करने के लिए चाहते हो तो उसका डैशबोर्ड पहले ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड साइड बार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेटअप के अंदर ऐप इंटीग्रिटी। ऐसे गाइज, आप इसी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन का साइनिंग की सर्टिफिकेट और अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ पे जरूर नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे तीन चीज़ सबसे ऊपर मिल जाता है जो साइनिंग की, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं करना होगा, वो गूगल प्ले कंसोल की तरफ से मिलता है। ठीक है गाइज, उसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे अपलोड की सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे पूरा खेल यहीं पे होता है। ठीक है, जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे अपलोड करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपका यहीं पे स्टोर होकर रहता है। अगर आप देखने के लिए चाहोगे तो यहाँ पे SH1 सर्टिफिकेट जो फिंगरप्रिंट लिखा हुआ है उसके सामने जो एक नंबर मिलेगा, ये नंबर को आप यहाँ पे जो बिल्डर के अंदर आप काम करते हो तो उसके साथ आप जरूर कंपेयर कर सकते हो। मैं कोडुलर का यहाँ पे सेटिंग ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे SH1 सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएगा सेम नंबर का। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे सेम नंबर नहीं मिलता है, SH1 सर्टिफिकेट अगर अलग हो जाता है तो इस केस में आपका एरर शो कर सकता है, इसीलिए ये सेम होना चाहिए। अगर आपका ये सेम नहीं है, की स्टोर लॉस्ट कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नया की स्टोर आपका एप्लीकेशन में लगाने के लिए आप गूगल प्ले कंसोल टीम को एक बार रिक्वेस्ट करना होगा। तो इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिक्वेस्ट की अपग्रेड, तो इसी ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा क्यों आप अपग्रेड करने के लिए चाहते हो। तो गाइज, हमारा इस केस में हमारा की स्टोर लॉस्ट हो चुका है, तो हम ये वाला ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा फिर से कॉन्टैक्ट सपोर्ट, तो फिर से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे जनरल प्ले कंसोल इशू का एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा, इसी फॉर्म का आपको केयरफुली फिल करना होगा। ठीक है ना गाइज, यहाँ पे अगर थोड़ा सा मिस्टेक कर देंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, इसीलिए इसके अंदर जो भी फॉर्म वगैरह आप यहाँ पे फिल करेंगे इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नेम यहाँ पे दिखाई देगा, लास्ट नेम दिखाई देगा, अगर यहाँ पे सही नहीं है तो आप जरूर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ईमेल आईडी, ये भी आपका होना चाहिए। उसके बाद डेवलपर नेम, जो आपका गूगल प्ले कंसोल का डेवलपर नेम है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। डेवलपर नेम यहाँ पे एंटर करने के बाद डेवलपर अकाउंट आईडी आपको एंटर करना होगा। ये डेवलपर अकाउंट आईडी आपको कहाँ मिलेगा, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप गूगल प्ले कंसोल को ओपन कर लीजिए, जहाँ पे आपका ऑल ऐप्स शो करता है। उसके बाद लेफ्ट साइड साइड बार में आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, उसके बाद अकाउंट डिटेल्स, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अकाउंट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर जाएगा। तो गाइज, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, डेवलपर अकाउंट आईडी, तो सबसे नीचे आपको ये मिल जाएगा, ये जो सारे नंबर देख रहे हो ये सारे नंबर को आपको कॉपी कर लेना होगा। ठीक है, नीचे कॉपी आईडी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अभी चलिए गाइज वो इशू फॉर्म की तरफ, तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। नेक्स्ट गाइज, आप आपका लोकेशन यहाँ पे एंटर कर देना होगा, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट करूँगा, आप आपका कंट्री के हिसाब से यहाँ पे लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नेम, तो एप्लीकेशन का नाम आपको एंटर करना होगा जो आपका एप्लीकेशन के अंदर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। नेक्स्ट गाइज, एप्लीकेशन का पैकेज नेम, ये मैंडेटरी है, आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन का पैकेज नेम भरने के बाद आपको यहाँ पे आई नीड हेल्प विथ अन इशू, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा, इसके अंदर आपका इशू को डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पे गाइज क्या भरना होगा, इसके लिए आप घबराए मत, आपके लिए मैं भी रेडी करके रखा हूँ कैसे आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो आपका इशू के लिए।
जैसा कि गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे लॉस्ट की स्टोर के लिए आपको क्या भरना होगा और फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपको क्या भरना होगा, ये दोनों का जो डिस्क्राइब कर रखा हूँ, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो इस तरह का टेक्स्ट, तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इस टेक्स्ट को ज़रूर कॉपी करके आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर भर सकते हो, ठीक है ना गाइज। अगर गाइज इससे कुछ अलग आप टाइप करने के लिए चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आपका इशू को भी और अच्छे तरीके से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। सो इन दिस माई केस की स्टोर लॉस्ट हुआ है, तो इसके लिए मैं ये वाला टेक्स्ट को कॉपी करके इसके अंदर भर दूंगा। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पे फाइल अटैच करने के लिए बोल रहा है, ये एक ऑप्शनल चीज़ है, चाहे तो आप इसके अंदर आपका इमेज को भी अपलोड कर सकते हो जो एरर आया होगा एप्लीकेशन अपडेट के टाइम पे। अगर आप नहीं भी भरेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली गाइज, यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ घंटों के अंदर आपके पास एक मेल आएगा, और उस मेल के अंदर क्या आएगा मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए गाइज, कुछ इस तरह का मेल आएगा, इसमें क्लियरली तीन स्टेप दे रखा है, इन तीन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हो। और इसमें लिखा गया है कि आपका की स्टोर का जो वैलिडिटी ईयर होता है वो 25 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि आप ऐप की स्टोर बनाते हो तो उस टाइम 25 ईयर से भी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। स्टेप टू के अंदर एक्सपोर्ट दी सर्टिफिकेट फॉर डाट की टू PEM फॉर्मेट। तो आपका जो की स्टोर आप नया बनाए होंगे जो अपलोड करने के लिए चाहते हो, तो वो आपको PEM फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपका जो नया की स्टोर का जो फॉर्मेट वो .jks में भी होना चाहिए, ठीक है ना गाइज। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे रिप्लाई करना पड़ेगा इसी मेल में अपलोड सर्टिफिकेट .pm फाइल का। तो गाइज, यहाँ पे बात रहा कि .pm फाइल आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए गाइज आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हो तो उसके अंदर आ जाइए, और आपका की स्टोर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। कोडुलर से मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद की स्टोर एप्लीकेशन के अंदर मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आपका की स्टोर को आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अभी गाइज ओपन एंड एग्जिटिंग की स्टोर के ऊपर क्लिक करके हमारा की स्टोर के यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे की स्टोर को ओपन करेंगे तो गाइज देख सकते हो कि पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड के अंदर आपको भरना होगा आपका की स्टोर का पासवर्ड। अगर कोडुलर का है तो आपको स्मॉल लेटर में एंड्रॉइड सिलेक्ट करना होगा। तो पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पे गाइज देख सकते हो आपका LH की दिख जाएगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका की स्टोर का डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले गाइज फिंगरप्रिंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो गाइज देख सकते हो आपका सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ पे दिख जाएगा, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा PEM, ठीक है। इसी PEM ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, टेक्स्ट को आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल से आपको नीचे एक्सपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा आपका कौन सा लोकेशन के अंदर सेव करने के लिए चाहते हो, तो लोकेशन सिलेक्ट करिए और आपका फाइल का नाम यहाँ पे एंटर कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन का नाम .pem यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। गाइज एक बात का आप यहाँ पे ध्यान में रखें, जैसे आप एप्लीकेशन का नाम पुट करते हो तो उसके बाद .pem ज़रूर एंटर करना होगा, इसी एक्सटेंशन का वो ज़रूर भरना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोर्ट, हो जाएगा PEM एक्सपोर्ट सक्सेसफुल। नेक्स्ट गाइज अभी चलते हैं डेस्कटॉप के अंदर, देखते हैं हमारा जो PEM फाइल आखिर बना या नहीं। तो डेस्कटॉप के अंदर जैसे गाइज हम आएंगे तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन का नाम .pem यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। तो ये जो PEM फाइल का आपको गूगल प्ले कंसोल के अंदर, गूगल प्ले कंसोल का टीम के पास आपको भेजना पड़ेगा ईमेल के जरिए में। तो गाइज चलिए ये सबको हम पहले क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा काम बन चुका है, उसके बाद अभी हम चलेंगे रिप्ले करेंगे, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे लास्ट में आपको मिल जाएगा रिप्ले का ऑप्शन, जैसे रिप्ले के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो आपका PEM फाइल के बारे में। जैसे कि गाइज यहाँ पे कुछ डेमो के लिए मैं यहाँ पे लिख कर आपको दे दिया हूँ, आपको ये भी फॉर्मेट अगर चाहिए तो हमारे वेबसाइट को भी विजिट करिए, तो ये टेक्स्ट फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो ये सारे भरने के बाद आपको यहाँ पे फाइनली आपका .pm फाइल को अटैच करना होगा। तो यहाँ पे अटैचमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन का .pm फाइल को भेजना होगा, ठीक है। ये सिलेक्ट करके आप यहाँ पे फाइनली सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे, और गाइज ये मेल सेंड होने के बाद और कुछ घंटों के अंदर आपके पास और एक मेल आएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे लिखा जाएगा गुड न्यूज, आई वाज एबल टू रजिस्टर ए न्यू अपलोड की। सो गाइज यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइमिंग दिखाई देगा, इसी टाइमिंग के बाद आपको गूगल प्ले कंसोल के अंदर
नया एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, जो कि आपका नया की स्टोर उसके अंदर लगा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो टाइम रहेगा, इसी टाइम से पहले अगर आप न्यू की स्टोर अपलोड करते हो एप्लीकेशन के साथ, तो एरर वगैरह शो कर सकता है, इसीलिए आपको ये टाइम के बाद आपको करना होगा, अपलोड करना होगा। ठीक है ना। और गाइज यहाँ पे कुछ नीचे लोकल मशीन ये सब कुछ वगैरह वगैरह दे रखा है, इसके लिए आपको ध्यान नहीं देना होगा, आपको सिर्फ नया की स्टोर आपके एप्लीकेशन में लगा के अपडेट करना होगा। तो इसीलिए गाइज जो बिल्डर के अंदर आप काम करते हो, तो उसके अंदर आ जाइए, एप्लीकेशन के अंदर जो भी चेंजेस करना होगा तो पहले कर लीजिए। ये सारे कुछ करने के बाद आप, जैसे कि कोडुलर में बताता हूँ, सेटिंग के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पे एक की स्टोर आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हो कि दूसरा की स्टोर ऐड करने के लिए, तो आप पहले से इसको डिलीट कर लीजिए और इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपका की स्टोर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, जो की स्टोर के साथ आप अपलोड करने के लिए चाहते हो, और गूगल प्ले कंसोल को भी .pm फाइल एक्सपोर्ट करके दे रखे हो। ठीक है, और ये सारे कुछ कंप्लीट होने के बाद फाइनली एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर लेना होगा। उससे पहले वर्जन कोड नेम वगैरह ये चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे एक्सपोर्ट होने के बाद आपको फिर से गूगल प्ले कंसोल के अंदर आ जाना होगा। ठीक है, और प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करके अब आपका एप्लीकेशन को यहाँ से आसानी से अपडेट कर सकते हो। ठीक है जी, एप्लीकेशन कैसे अपडेट करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो को भी देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। तो आई होप गाइज आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कैसे आप एक न्यू की स्टोर SH1 सर्टिफिकेट और ऐप साइनिंग की जो भी आप बोलते हो, कैसे आप आपका एप्लीकेशन के लिए न्यू लगा सकते हो और गूगल प्ले कंसोल के लिए आप ये सारे प्रोसीजर कैसे कर सकते हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और वीडियो भी अच्छा लगा होगा। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करते रहो। अगर आप सब्सक्राइब कर रखे हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाकर लेकर आऊँगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।